हमने पिछली बार देखा था कि किस तरीके से हम दो फॉर्म में सेट्स को लिख सकते हैं, सेट्स के बारे में बात की थी। तो ये हमने क्वेश्चन या एग्जांपल देखा था, इस बार हम देखेंगे ये वाला, राइट दी सेट। एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें x पॉजिटिव इंटीजर है और x स्क्वायर 40 से नीचे है। कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनके जिनको स्क्वायर किया जाए तो 40 से ऊपर है? तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, 5 5 25 6 6 36  7 7 49। तो 7 नहीं आएगा, एक से लेकर आपका 6 तक आएगा। अगर आप यहां पर देखें तो एक से लेकर आपको ये 6 तक मिलेगा। ओके, तो एक से लेकर 6 तक आपके पास ये मेम्ब्रेन आ गए, तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा सेट है। अब अगला देखिएगा, आपके पास एक सेट है 1 4 9 16 25। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है नंबर्स का, ये भी देख रहे हैं कि जीरो नहीं है तो नेचुरल नंबर है। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x is such that x is the square of the natural number। ये वाला तरीका हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मैं यही तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की तरह नहीं लिख सकता? क्या मुझे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज हमेशा एम्बिग्यूस होती है, मैथमेटिक्स हमेशा लॉजिकल होती है। लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी होती है, आप किसी और तरीके से बोलते हैं, मैं किसी और तरीके से समझता हूं, ये हो सकता है। तो इसके लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x is such that x is equal to n square। यही बात हो गई, स्क्वायर हो गया इसमें। और जहां पर वेयर n इज व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल n कर दिया। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है बिल्कुल सेम है। आप तरीका समझे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। एक और इसमें एग्जांपल है, एक सेट है 1 by 2 2 by 3, इस तरीके से सेट है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब देखिए, जब ये 1 है तो ये 2 है, मतलब ये ऊपर वाला n है तो नीचे वाला n प्लस 1 है। ऐसे देखिए, यहां लास्ट में देखिए, ये 6 है तो ये 7 है, तो ऊपर वाला n है तो n प्लस 1 है। लेकिन ये कहां तक वेरी कर रहे हैं? एक से लेकर 6 तक, n n अगर हम देखें तो 1 से लेकर 6 तक, n प्लस 1 करेंगे तो हाँ जरूर 2 से लेकर 7 तक, लेकिन हम n के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x is such that x is equal to n by n plus 1, जहां पर n नेचुरल नंबर है और n लाई कर रहा है 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में, और 1 और 6 इंक्लूसिव है, इसलिए लेस देन इक्वल का साइन है, इंक्लूसिव है 1 और 6। तो देखिए, अगर इसमें मैं 1 रखता हूं तो यहां पर 2 आ जाएगा, 1 by 2 पहला मेरा मिन बन जाएगा। ऐसे आखिर में अगर मैं 6 रखता हूं तो 6 ऊपर लिखूंगा तो 6 + 1 = 7, ये मेरा आखिर बनता है, लास्ट बनता है। तो इस तरीके से मेरा ये सेट बनता है, ये तरीका है बनाने का। अगला एग्जांपल ये है कि आपको मैच करना है एक सेट जो लेफ्ट में यहां पर दिख रहा है, उसको राइट से मैच करना है। तो पी आर आई एन सी एल, प्रिंस अल, पी आर आई एन सी एल। हम जानते हैं कि हम डुप्लीकेशन नहीं करते, रिडंडेंसी नहीं करते हैं, रिपीटेशन नहीं करते। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? x is such that x is a letter of word principle, तो ये इससे बिल्कुल मैच करेगा, तो पहला मैच करेगा d से। अब ये जीरो है आपके पास, इसका मतलब क्या है? ये किससे मैच करेंगे? x is equal to zero, क्या किसी से ये मैच कर रहा है? अभी इसके बारे में बात करते हैं, पहले जो हो जा रहे हैं वो दे, जिसके बारे में डिस्कशन करना है वो हम जरूर देखेंगे। 1 2 3 6 9 8, ये क्या नंबर्स है? ये सारे के सारे आपको पॉजिटिव भी दिख रहे हैं और ये 18 को डिवाइड करने वाले नंबर भी दिख रहे हैं, ये इससे मैच हो जाएंगे ए से। x इज अ पॉजिटिव नंबर, इंटीजर, सॉरी इंटीजर है ये, और डिवाइजर भी है, 18 को डिवाइड करने वाले भी है। दूसरा देखिएगा, 3 और -3। अब देख रहे हैं हम कि अगर x स्क्वायर माइनस 9 का हम रूट निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 का मतलब होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x का अगर रूट निकालेंगे, मतलब 9 का अंडर रूट करेंगे, तो +3 और -3 आएगा। +3 और -3 आने पर हम ये जान गए कि हाँ 3 और -3 इसका उत्तर हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड वाला है वो सी से मैच करेगा। अब आप देखिएगा, ये एक एक इसमें इक्वेशन दी है उससे मैच करता है। x is such that x is an integer, x ऐसा है कि x इंटीजर है, और x plus 1 is equal to 1, यानी x is equal to 1 - 1, that is 0। x क्या हो जाएगा? 1 - 1, 0। तो x is equal to 0। तो इस तरीके से हम इसको मैच कराएंगे। अगले पे आते हैं, एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट क्या होता है? मैंने जैसे बताया था आपको, empty भी आएगा, null भी आएगा, ये सारे synonyms भी हैं, और जहां पर हमारी definition होगी हम उसको जरूर देखेंगे। एक set देखिए, x is such that x is a student of class 11 presently studying in a school। okay? तो हम जा सकते हैं स्कूल, काउंट कर सकते हैं कितने नंबर, अभी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर है 11वीं क्लास में। तो आपके पास पता है कि हाँ क्लास, जैसे अगर आप क्लास 11 में है तो आप ये देखिए कि आपके क्लास में हो सकता 50 बच्चे हो, है ना, आपके काउंट कर सकते हैं इसको। अब एक और चीज देखिए, एक और सेट में आपको बोलता हूं, ये सेट कुछ इस तरीके से है कि x is such that x is a student presently studying in both class
टेंथ और इलेवंथ, या इसको इलेवंथ या ट्वेल्थ या सेकेंड क्लास सेकेंड एंड ट्वेल्थ ऐसे लिख सकते, कोई भी आप ऐसा दे देते जिसमें आपको पता है कि हाँ ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा मेरे पास या हमारे स्कूल में जो दसवीं और ग्यारहवीं में दोनों एक साथ पढ़ रहा होगा या दूसरी और बारहवीं में एक साथ पढ़ रहा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल बहुत कम होना, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन चलिए एक एक दिमाग में ये भी रखते हैं कि मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल हो सकता है, कंडीशन ऐसी पॉसिबल हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट स्टडी नहीं कर सकता क्लास टेंथ और इलेवंथ में एक साथ, इसका मतलब सेट बी में कोई एलिमेंट आएगा ही, जब कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा तो आप उसको क्या नाम देंगे, किस नाम का संज्ञा देंगे? अभी तक तो आपने ये देखा कि हाँ कुछ ना कुछ आ रहा है उसके लिए, तो आपने कहा सेट नाम है, जब सेट के अंदर कुछ आएगा ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे सेटों को जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आनी है, वो खाली सेट होगा, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे, उसको हम नल सेट कहेंगे या उसको हम वॉइड सेट कहेंगे। एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसे हम नल सेट कह रहे हैं, वॉइड सेट कह रहे हैं, एम्प्टी सेट कह रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, जो बी वाला सेट है, ये जो अभी आपने सेट देखा जिससे मैंने कहा दसवीं और ग्यारहवीं पढ़ने वाला कोई ऐसा बंदा है, सेकंड और ट्वेल्थ में एक साथ बैठने वाला कोई ऐसा लड़का या लड़की है, नहीं ऐसी नहीं है, तो बी जो है एम्प्टी सेट है, यानी कि ए आपका एम्प्टी सेट नहीं है, बी आपका एम्प्टी सेट है। ए अभी जो देखा था आपने, हाँ वो सेट था, आप जाएंगे स्कूल में बच्चे ग्यारहवीं पढ़ रहे हैं उनको काउंट कर लेंगे। एम्प्टी सेट कैसे लिखा जाता है, डिनोशन भी देखिए, डिनोशन इसका इस तरीके से है, एक तो फाई, ये जो आप देख पा रहे हैं, एक तो आप फाई से इसको डिनोट करेंगे और दूसरा आप करेंगे एम्प्टी ब्रेसेस, ये ब्रेसेस आप देख रहे हैं एम्प्टी ब्रेसेस है और ये आपका फाई, इस तरीके से करेंगे आप, ये फाई या फिर ये ब्रेसेस, इस तरीके से करेंगे आप। अगला आपका है कि कुछ एग्जाम्पल जो एम्प्टी सेट जहां पर आएगा, जो हम जिससे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ए है सेट, इसमें एक्स वन है, दो एक्स एक और दो के बीच में है और एक्स नेचुरल नंबर है। अब एक बताइए, एक और दो ये दोनों नेचुरल नंबर है, इनके बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इनके बीच में आता है, आता है कोई? वन, अगर आप वन और थ्री बोलते तो टू आ जाता, वन और फाइव बोलते तो टू थ्री या फोर आ जाते ना, वन और टू के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि एम्प्टी सेट है। आप देखें एक और, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इसमें रैशनल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसका रूट, तो एक्स स्क्वायर किसी चीज का स्क्वायर अंडर रूट मतलब टू हो सकता है क्या? फोर तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर को फोर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर टू हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती कभी, इसका मतलब आपका सेट जो है बी वो भी एम्प्टी है। अब एक आपका यहां सी यहां दिया हुआ है, एक्स एक इवन प्राइम नंबर है जो दो से ज्यादा बड़ा है, इवन प्राइम नंबर, केवल एक ही इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है जो है दो, ऐसा कोई इवन प्राइम नंबर है जो दो से ऊपर होता है? नहीं होता, केवल दो ही दो होता है, तो सी आपका एम्प्टी सेट हो गया, सी यानी कि टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसलिए हमारा सी सेट एम्प्टी होगा। अगला देखिए डी, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, सेम लॉजिक, ये वाला लॉजिक यहां पर लगेगा, ऐसा लगेगा, लेकिन हम जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर रखेंगे तो क्या ऐसा कोई वैल्यू है जो स्क्वायर, जिसका स्क्वायर फोर होता है? होता है बिल्कुल, एक्स तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर फोर, इसका मतलब तो टू का स्क्वायर फोर, ये तो सही है, लेकिन यहां पर कंडीशन है एक्स इज ऑड, ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर फोर होता है? नहीं, नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी सेट है आपका। अब आते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है? ए देखिए 1 2 3 4 5, हम काउंट कर सकते हैं, ए बी है ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी आप काउंट कर सकते हैं, सी जितने भी आपके लोग हैं, इंसान है जो पूरे वर्ल्ड में रह सकते हैं वो भी काउंट कर सकते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम ये देखिए कि यहां पर तो हम काउंट कर रहे हैं, यहां काउंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हो सकता है जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप कहां तक जाएंगे? आप बोलेंगे मैंने यहां तक काउंट किया, मैं कहूंगा एक प्लस कर दीजिए, वो आप बोलेंगे मैं एकदम लिमिट तक पहुंच गया, इससे आगे कोई नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, मैं कहूंगा एक प्लस और कर दीजिए, इनफाइनाइट है ये नॉन एम्प्टी, ये इनफाइनाइट सेट है। तो अगर ये एन एस, मैं अगर एक सेट को एस से डिनोट करूं और एन एस उसे कहूं, तो इसे हम इसे कार्डिनैलिटी कहते हैं, इसकी ये आगे आने वाला है, लेकिन एन एस आपका नेचुरल नंबर है, एस आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ये आपका नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। यहां पर एन एस एन ए मतलब एस में अगर मैं ए डालता हूं तो मुझे पांच दिख रहा है, यहां पर ए बी सी डी ई एफ को आप कंप्यूट करिए, इसको जरा कैलकुलेट करिए तो आपको सिक्स मिलेगा, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सी तो ये भी आपका फाइनाइट नंबर में आएगा, जो चीज फाइनाइटली जिसका एन एस
ब्रैकेट में एस करता हूं, जिसका एनएस कोई फाइनाइट नंबर आएगा इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। ध्यान रहेगा, फाइनाइट सेट जो काउंटेबल है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक सेट जो एम्प्टी है और उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसे फाइनाइट कहते हैं। अगर ऐसा ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट। समझ गए इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट, यदि किसी सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट में हम नहीं डाल सकते, डेफिनेट एलिमेंट नहीं है उस सेट में, या फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, तो इनफाइनाइट। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए डब्ल्यू आपका वो सेट है जिसमें वीक्स, डेज ऑफ वीक है। आप जानते हैं मंडे ट्यूजडे से लेकर आप संडे तक चले जाइए, आपको फाइनाइट मिलेगा। अगर एस एक सेट, इसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो, आप जानते हैं फोर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन फाइनाइट है। अगर आप ये कहें कि एक लाइन बनाए और इसके पॉइंट गिनने लगे, आप गिन सकते हैं? आप कभी नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इनफाइनाइट है। इसीलिए जो ये थर्ड देख रहे हैं आप, ये एग्जांपल है आपके इनफाइनाइट सेट का। सेट एक फाइनाइट सेट होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट में उतने एलिमेंट होते हैं जिसका एन एस इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब यू कैन नॉट काउंट, यू विल नॉट बी एबल टू काउंट देम। समझ गया? ऐसे होगा ये। तो हम अब जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट को रोस्टर फॉर्म में, तो जितने भी एलिमेंट हम ब्रेसेस में रखते हैं, अगर फाइनाइट सेट भी है और बहुत सारे हैं तो उसको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो उस जगह पे, और खासतौर पे जब इनफाइनाइट है, तब हम कैसे लिखेंगे? तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इस केस में हम क्या करते हैं कि 1, 2, 3, अब हम जानते हैं 1, 2, 3 तो इनफाइनाइट तक जाता है, तो हम क्या करेंगे? डॉट 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 लगा देंगे, डॉट डॉट, 3 डॉट लगा देंगे, 3 डॉट लगाना पड़ेगा आपको। यू विल प्लेस 3 डॉट्स, क्या करेंगे? 3 डॉट लगाएंगे इसमें। जैसे नेचुरल नंबर है आपके 1, 3, 5, 7 आपका ऑड नंबर है, ये आपका पूरे इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर लेफ्ट में भी पढ़ सकता है, राइट में भी पढ़ सकता है, तो यहाँ 3 डॉट लगेंगे, यहाँ 3 डॉट लगेंगे। ये सारे जो सेट आप देख रहे हैं, ये सारे फाइनाइट है। जितने भी इनफाइनाइट सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं, इनफाइनाइट सेट को हम इसमें नहीं डाल सकते, उसको हम किस में डालेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में ही डालेंगे। तो जो रियल नंबर्स हैं उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट इसमें कोई पैटर्न तो होता नहीं, एलिमेंट किसी रियल नंबर का तो कोई पैटर्न होता नहीं है। इसलिए अगर आप एग्जांपल देखें इसमें, तो इसमें बताइए कौन सा आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन एक्स इक्वल टू वन और टू आएगा, ये सेट हमारे लिए फाइनाइट है। यहाँ पर x belongs to n, x square equal to 14, बिल्कुल सही, इसका उत्तर 2 होता है, 2 का square 4 होता है। लेकिन अगर हम ये वाला देखें, x is such that x belongs to n and 2x minus 1 equal to 0, यानी 2x equal to 1, 2x equal to 1, right? इसका मतलब ये है कि x is equal to 1 by 2, तीसरा सेट इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो इसको सॉल्व कर पा रही है, क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, x जो है वो हाफ आएगा, इसका उत्तर x में x इक्वल टू हाफ आएगा, यानी 0.5 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इसे हम लिखेंगे 5। आप सोच रहे होंगे इसका सोल्यूशन तो है हमारे पास, लेकिन सोल्यूशन की बात नहीं है, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, इसलिए फाइनाइट। अगला है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज प्राइम, तो ये सेट जो है इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर में होना चाहिए और प्राइम में होना चाहिए, तो प्राइम नंबर तो आप जैसे नेचुरल नंबर है, प्राइम नंबर भी आपके इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। ऐसी अगला है x belongs to capital N, यानी कि आपको natural number and x is odd, ये भी आपका बिल्कुल सेम चीज है कि आप जो odd number बढ़ा रहे होंगे वो भी तो आपके कितने भी हो सकते हैं, जैसे natural number में से, odd number में से, कोई भी number, number कोई भी आपके infinite जाते हैं, इसलिए ये set भी infinite है। तो आप समझे इसमें अंतर क्या है आपका finite, infinite और empty में। ये आज की बात रही, हमने आज डिस्कस किया इन तीनों के बारे में। अब आगे हम और इम्पोर्टेंट चीजें इस चैप्टर की देखने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।